यार अंदर तो आ गया आपा, बट यहाँ बारिश आ रही है, दिक्कत ही है यहाँ, लॉकर में फोन रखने पड़ेगा, फोन अंदर अलाउड नहीं है, जहाँ तक की रिकॉर्डिंग हो सकती है वहाँ देखते हैं अब लॉकर कहाँ लेने हैं। बाकी अंदर आ चुके हैं, पीछे का दिखाता हूँ, बारिश हो चुकी है यहाँ पे अपनी स्टार्ट, तेज बारिश आ रही है पूरी, तभी कैब कर रखी है। भोजनालय है तो यहाँ पे पूरी परीक्षा ली जा रही है, देख नंगे पैर दिख रहे होंगे, सुन्न हो गए भाई पैर बिल्कुल 0 डिग्री पे सुन्न हो चुके हैं, ठंडे पानी में से निकल रहे, जो कि पहले लॉकर में उतारना पड़ता सब कुछ, सुन्न हो गए भाई, ऊपर देखते हैं अभी। तो यार दर्शन तो हो गए बढ़िया तरीके से, मतलब परीक्षा इतनी आई, पहले हम आ गए, हमने लॉकर में सामान रख दिया, तो जब चेक पॉइंट आया तो बोला बंदा कि फ़ोन वगैरह थे हम भूल गए लॉकर में रखना, बोला रख के, अब लॉकर कहाँ ढूंढे, बंद होने वाला था गेट, क्योंकि 4:30 हो गए, 5 बजे हो रहा था गेट बंद, तो फटाफट भाग गए दीवार, मतलब दीवार के आदमी पीछे की है, इसके ऊपर की बाउंड्री जो पीछे वाली है वो कूद के निकले, और उसके बाद माता की वजह से मतलब लॉकर के पास ही हमें ताला चाबी मिल गए, वो ओपन था तो उसमें रखा और निकले और दर्शन करे। अब देखते हैं ऊपर जाएंगे अपा क्रेन के थ्रू, भैरों के वहाँ पे, भैरव बाबा के वहाँ पे ऊपर मंदिर है जो, देखते हैं। बाकी यार जल्दी में भागते निकले थे और अभी भी नंगे पैर है, स्टिल नंगे पैर है, क्योंकि शूज़ हमने लॉकर वन पे उतार दिए थे, तो अंदर अब भैरव बाबा के वहाँ जाके देखते हैं। बाकी पीछे का व्यू देखो क्या आ रहा है, बादल व्यू देख रहे हो, भैया हालत की बच चुकी है बैंड, क्योंकि ऊपर बैरोनाथ के बाद जा रहे थे पापा, मम्मी तो चली गई घोड़े से, चल के देखते हैं। तो यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, पीछे वैष्णो देवी वाला बोरा, पापा और पीछे है, मैं मम्मी के साथ साथ था, भागता जा रहा था पहले, वैसे पहुँच ही गए, ज़्यादा दूर नहीं था, करते करते आगे भागता भागता आया था, सांस चढ़ रही है फुल तेज, वैसे तो क्रेन से जाना था बट उसकी टिकट काउंटर क्लोज हो गया, हेलीकॉप्टर का भी क्लोज हो गया, तो 550 मीटर और रह गया बस। बाकी ये पहन रखा था, सब उतार दिया और सांस बहुत फूल रही है भाई, मतलब 200 BPM से ऊपर चलेगी हार्ट बीट, चल रही है धीरे धीरे। पापा और तो बहुत पीछे है, मैं बीच में हूँ, मम्मी आगे पापा पीछे, तो आप ऊपर तो चलेंगे, जय माता दी करते करते, अब रखता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा एनर्जी वेस्ट होगी भाई। यहाँ खड़ी चढ़ाई है, स्लोप बिल्कुल 90 डिग्री से भी ऊपर भाई, हो सिर्फ मैं यहाँ हूँ जो पैदल चल रहा हूँ, बाकी सारे घोड़े से नहीं तो और किसी चीज़ से आ रहे भाई। भाई ऊपर तो मैं पहुँच गया, अपना हो गया नुकसान, ग्लव्स पहन रखे थे, ग्लव्स गए, भैरव बाबा के हो गए, दर्शन मंदिर हो गया, मंदिर, और यहाँ आ रही है बारिश अपने, बारिश का सीन, पीछे का सीन देखो, मेरी आँखें खुल रही, पीछे बादल ही बादल है अपने और नीचे पानी, तो बारिश आ रही है अपनी, तो नुकसान हो गया, नुकसान लिखा था, मैं तो आ गया पैदल पैदल, मम्मी और तो ना आ पाते, बाकी बारिश हो रही है, पीछे बादल आ रहे हैं अपने, तो पीछे का पूरा व्यू दिखाता हूँ, हो क्या व्यू है यार, क्या व्यू देख रहे हो, ये देखो भाई, ये अपना वैष्णो देवी, वहाँ से मैं पैदल आया हूँ, यहाँ से यहाँ मैं पैदल आया हूँ, तो ये देखो व्यू, ये देखो सामने, जय माता दी, उधर तो पूरे बादल 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 ही बादल, शांति सब शांति है पूरी, अपना व्यू देख लो सारा, ओहो ओ हेलीपैड, अच्छा वो अपना हेलीपैड भाई, डर लगता नीचे देखते हुए भी, हवा भी चल रही है, ये रहा हेलीपैड, तो यहाँ से बंदे जाते हैं पैदल हेलीकॉप्टर से, अब हेलीकॉप्टर भी बंद है, बारिश आ रही है इस वजह से, तो यार काफ़ी ऊपर आ गए, मतलब हाईएस्ट पीक पूरे यहाँ की माउंटेन की यही है, ये थोड़ी सी और ऊपर होएगा, बाकी नीचे ही है पूरा सिस्टम, वो घर रहे छोटे छोटे को दिख ही नहीं रहा। नाइट का व्यू देखो, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, दिख नहीं रहा, लाइट चल रही है फुल, अभी तो नीचे जाना है भाई हमें, भैया तूफान आ गया है यहाँ पे, फुल तेज तूफान आ रहा है, सारे भागे जा रहे हैं, टाइम हो रहा है 7:30 बजे और तूफान आ रहा है अंधा, मतलब एकदम से अभी हवा चली है, और ये बाल स्पेशल कैब उतारी है बाल दिखाने के लिए, कि दर्द हो गए, ये देखो सारे भाग रहे हैं पीछे की तरफ,
तो हमें 12 घंटे हो जाएंगे एक घंटे बाद के अराउंड चलते चलते। तो भैया माता रानी की कृपा ही, आप चल रहे इतनी देर से, अब नीचे उतर रहे हैं, अभी एक माता जी के दर्शन हो रहा है कि अभी 10 किलोमीटर है भाई नीचे, रात तक पहुँचेंगे 10 बजे तक। तो तूफान आ रहा है गंदे वाला बहुत, बाकी अब चल रहे हैं नीचे, देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। अभी थोड़ा देर आ गया, यहाँ लाइट आ गई, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। फ़ोन की बैटरी भी 20% रह गई अपनी, भैया बैंड बज रही है, चल रहे हैं। गाइस रात के बज रहे 10:30 और हम अभी तक वैष्णो देवी के अंदर है, बारिश हो रही है फुल तेज, पीछे ये चल रही है। हम गए थे अभी गर्भभूजन गुफा के रास्ते में, तो हमें यहाँ पे लग गए 3 घंटे। 3 घंटे से हम लाइन में थे, पहले बैंड बज रखी थी पैरों की, ऊपर से जो पैदल चले, आज पूरा पैदल चले, कोई घोड़ा नहीं कुछ नहीं। तो अब हिम्मत नहीं है, बैटरी हो गई डाउन फ़ोन की भी और मेरी भी। तो यहाँ पे हमें 3 घंटे लगे, गुफा से हम निकल के आ गए, अब नीचे जा रहे हैं। तो देखते हैं अब किससे जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, हॉर्स से जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। अभी की बैंड बज रही है क्योंकि कल पत्नी टॉप के लिए भी निकल, सॉरी कल पत्नी टॉप के लिए भी निकलना है। तो देखते हैं, हम बताता हूँ क्या रहता है, बाकी होटल पहुँच के ही अब करते हैं जो करना है यार। भैया खाना वगैरह हो चुका है डन, 11:30 बज रहे अपने वैष्णो देवी में, अभी भी नीचे जाना 12 किलोमीटर। तो भी घोड़े करे आपा ने, और व्लॉग को उसके साथ ही एंड कर दूंगा क्योंकि अब हिम्मत नहीं है व्लॉग बनाने की, ना फ़ोन में ना मेरे में। तो बस निकल रहे हैं, लाइट आ गई, पीछे आता हूँ। तो बस निकल रहे, देखते रहे ऐसे पीयूष खन्ना व्लॉग्स, कल के व्लॉग में आएगा और मज़ा, बने रहे, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, शंबा कैब। Oh!